राघव के साथ में आप और 8:18 होने जा रहे हैं। टाइम है कि आपको सिटी का सितारा में कानपुर पुखराए से उस 14 साल के बच्चे से मिलवाएं जिसने डॉक्टर अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड जीता है अपने एक इनोवेशन के लिए 7 नवंबर 2016 को। कौन है ये बच्चा, आओ मिलवाते हैं। तुम पहले अपना नाम बताओ यार। पार्थ बंसल। कहाँ से हो? कानपुर। कानपुर पुखराया से है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट साइंस। साइंस, यस। अब मैं जानूंगा तुम्हारे इनोवेशन के बारे में, क्या ऐसा इनोवेट किया आपने जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिल गया यार? मैंने अपनी दादी के लिए एक स्टिक बनाई थी जिससे कि वो पार्किंसन की पेशेंट जो है वो चल सकती है। ओके, और उसमें नीचे कुछ लगा भी है क्या है? वो बैटरी के लिए, बैटरी और बाकी सामान नीचे लगा है, ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई है जिससे कि पार्किंसन में पहले स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो फिर अगर कोई ऑब्स्टिकल उनके सामने रख दिया जाता है तो फिर वो पहला स्टेप लेके चलने लगते हैं। अच्छा। लेकिन अगर पहला स्टेप लेने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो नहीं चल पाते हैं, अगर ऑब्स्टिकल लग देंगे तो गिर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऑब्स्टिकल की वजह कोई लाइट की ये हो जिससे वो क्रॉस करके वो चलने लगे। तो मैंने इसमें एक लेजर लगाया है जिससे कि एक लेजर की लाइन बनती है और उसे वो ऑब्स्टिकल की तरह सोच के वो चलने लग जाते। इसमें एक टॉर्च भी है जिससे कि अगर वो रात में चलना चाहे तो वो चल सकते हैं रात में भी। पार्थ ने जो अपनी दादी के लिए बनाई है स्टिक, उससे दादी तो चल भी पाती है और बहुत खुश भी है। लेकिन कैसे इस अवार्ड तक पार्थ पहुंचे, कितनी एंट्रीज आई थी, ये सब जानेंगे थोड़ी देर के बाद। सुनते रहो रेडियो सिटी 104.8 FM, रग रग में कानपुर सिटी। राघव के साथ है आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर। चावला मार्केट में ट्रैफिक की हलचल आपको दिखेगी और ये हलचल आपको जरीब चौकी पर भी दिखेगी, क्रॉसिंग पे थोड़ी बहुत, लेकिन विजयनगर पे भी हलचल तो आपको दिखेगी, ट्रैफिक स्लो तो नहीं होगा अभी। यहाँ मेरे साथ है कानपुर पुखराया से पार्थ, सिर्फ 14 साल के हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड मिला है इनको इनके एक इनोवेशन के लिए जो इन्होंने अपनी दादी जी के लिए बनाया। कुछ और सवाल पार्थ से बस थोड़ी देर के बाद। सुनते रहो रेडियो सिटी 104.8 FM, रग रग में कानपुर सिटी। साथ ही आराम दिया। रग रग में कानपुर सिटी।